वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुष्कामसिद्धये। प्रथममं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गज्वक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशम गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नमानि त्रिसिंध्यं यपठे नरः न च वेत्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति सोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सेन सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो प्राणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। A very good evening to all of you. I hope you all are doing very well and enjoying in this lockdown period at your home with your families. So let's begin, friends. आज का फिर से हमारा session जो है, पहले हम करेंगे prayer, prayer जाप meditation, जाप meditation में हम करेंगे ओम जाप। आप कोई और जाप करना चाहे आप वो भी कर सकते हैं। आप अपने घर पे बने रह के साथ में जाप जरूर कीजिएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं सुने, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप स्वयं से खुद से वाचिक जाप करें, बोलकर खुद से जाप करें, जिससे आपको लाभ पूरा मिल पाएगा, आपको बेनिफिट पूरा मिल पाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट कर पाएंगे और पूरे यूनिवर्स पूरे वर्ल्ड की वाइब्रेशंस के साथ उनको मिक्स करके सारे में पॉजिटिव फैलाने का हम ये कार्य जो हमने एक बीड़ा उठाया उसको कर पाएंगे और अपनी पॉजिटिविटी तो हमारी स्वयं से बढ़ेगी ही। तो शुरू करते हैं पहले ओम मेडिटेशन, उसके बाद सेल्फ लव टॉक की हम बात करेंगे। पिछले 3 दिनों के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने कॉपी और अपनी पेन नहीं रखा है वो जरूर रख के बैठेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं कल का और होमवर्क नहीं मम्मा होमवर्क पूछूंगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमारा होमवर्क होगा, आप लोग बताएंगे आपने किया है या नहीं, तभी आगे बढ़ने का फायदा होगा। वो है हमारा टॉपिक एंगर। आज का हमारा टॉपिक एंगर था, जिसकी टेक्निक बतानी है कि एंगर से गुस्से से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम, पहले सबसे पहले करेंगे अपनी ओम मेडिटेशन। जितने लोग जुड़ चुके हैं प्लीज सभी ओम मेडिटेशन अपने घर पर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं ओम मेडिटेशन। लंबा गहरा श्वास भर जाए निकाल जाए, एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए निकालिएगा, एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास भर जाए निकाल जाए। अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाए, जो भीतर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, कि श्वास आ रहा है जा रहा है, श्वास भीतर आ रहा है बाहर जा रहा है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू प्लीज चैंट विद मी ओमकारा। जब डीप जाप होगा बस तब लंबा श्वास भरना होगा हर ओम के जाप से पहले, नहीं तो साथ में मेरे बनिएगा। हम दीर्घ लघु मीडियम मध्यम हर प्रकार का जाप करेंगे। आप करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे सुनने से इतना लाभ नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं, एक लंबा गहरा श्वास भरे निकाल दीजिए, एक और निकाल दीजिएगा। ओ
ओम 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 Om, Om, Om.
Om 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 Om
om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om Om, 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 om
इसी के साथ अपने शरीर और श्वासों के प्रति सजग हो जाए। श्वास भीतर आ रहे हैं, श्वास बाहर जा रहे हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाइएगा, रगड़िएगा। गर्माहट आने पर कप की तरह बनाते हुए अपनी आंखों पर ढके, यहीं पे पल के खोल बंद कर लें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ वापस लें। So once again, I welcome you all whosoever has joined me and still there. उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और वेलकम भी करती हूँ। एक बार सबसे मिल लिया जाए, फिर हम अपना सेल्फ टॉक शुरू करेंगे। संदीप अग्रवाल जी, गुड इवनिंग सर। शालिनी जी, गुड इवनिंग। कनिका जी, शिखा गगन जी, गौतम जी, शिंग कलवा जी, सॉरी अगर नाम गलत लिया है। कपिल नागर जी, विश्वनाथ जी, राजपूत, भूपेंद्र जी, रेक्स जी, नरेंद्र पाल जी, मनोज जी, मनोज कुमार जी, सतबीर जी, सैयद अहमद जी, विश्वनाथ जी, कनिका जी, अमित पटेल जी, लाडू लाल जी, मधु खुराना जी, अक्की जी, अंकुर बजाज जी, ज्योति खन्ना जी, आयुष गुप्ता जी, शंकु धाम जी, रणवीर जी, प्रियंका गौर जी, ममता दत्ता जी, आनंद वर्धन जी, नितिन चौहान जी, दत्ता जी, संदीप चंचल जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हमारे सेल्फ लव टॉक, सेल्फ लव टॉक पे। तो कल का जो मैंने होमवर्क दिया था, सबसे पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारा कल का जो रेजोल्यूशन था वो ये रेजोल्यूशन था कि हम कोई भी सिचुएशन आएगी, हमारे साथ कोई कैसा भी रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा, सबसे पहले हम उस स्थिति में खुद को रख के देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सामने वाले के साथ बिहेव करेंगे कि हम, अगर हमारे साथ हमने ऐसे बिहेव किया होता तो हम सामने वाले से किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल सेम रिएक्शन हम सामने वाले के साथ भी करेंगे। यानी जब भी हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, हम हमेशा अपने लिए अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम इस तरह से एक बार सोचेंगे तो हम सामने वाले के साथ भी गुस्से से नहीं, एंगर से नहीं, इरिटेशन से नहीं, अच्छे तरह से ही रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। तो ये हमारा थर्ड लेसन था जो हमने डेली रूटीन में अपने करना है। इसी के साथ हम अपने आगे की स्टोरी बढ़ाते हैं, इसी को आगे क्रम में बढ़ाते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे एंगर को। एंगर के लिए मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी वो थी, कौन बताएगा, कोई यहाँ पर शेयर करेगा, कल मैंने कौन सी स्टोरी सुनाई थी आपको, रियल रियलिस्टिक थी पूरी तरह से, कोई है? कल मैंने स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं,
कल मैंने जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी अलेक्जेंडर दी ग्रेट की, कि उसको वो गुस्से का स्लेव था, इसीलिए एक धर्मात्मा ने, महात्मा ने, इंडियन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। फिर फाइनली किसी तरह से अलेक्जेंडर कर पाया कि किसी को यहां से ले जाने में सक्सेस ले पाया, तो उनके साथ जो महात्मा गए थे शायद उन्हीं के ज्ञान के कारण उन्होंने बाद में सुसाइड किया और अपने दोनों हाथ अपनी कब्र के, अपने कॉफिन के बाहर रखने को कहा था, जिससे हमें सीख मिली थी कि सब कुछ यही रह जाएगा तो अटैचमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। डिटैच होके बस हम अपना काम करें, पूरी इंटेग्रिटी के साथ करें, यही हमारा धर्म है, यही हमारा ध्येय है और यही हमारा गोल होना चाहिए। हमने कल इतनी बात की थी, उसके बाद विराम दिया था रिजोल्यूशन देके। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो स्टोरी आज एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उस स्टोरी में क्या है, एक फादर होता है और एक बच्चा होता है, दोनों कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में कार खराब हो जाती है, तो क्या होता है, बच्चा उतर के फादर तो कार को ठीक करने में, मैनेज करने में लग जाता है, तो और वो बच्चा जो होता है वो कुछ पत्थर वगैरह उठाकर वहां पर कार पर कुछ कुछ लिखने लग जाता है। फादर को जैसे ही पता चलता है वो इतने गुस्से में पागल हो जाता है, वो देखता भी नहीं कुछ आव ना ताव, वो बस सीधा उठाकर वो उसको मारता है, मारता है, मारता है, इतना मारता है उसके उसी हाथ पर जिस हाथ से उसने पत्थर को उठाया हुआ होता है, खूब मारता है कि आखिर में वो इंजर्ड हो जाता है बुरी तरह से और उसको उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल लेके जाता है तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं और वो डॉक्टर क्या कहते हैं, अब ये इतनी फिंगर्स जो है, आगे का जो हाथ है, काटे बिना काम नहीं बनेगा और वो उसको वहां से ऑपरेट करके उनको काटना पड़ जाता है। ऑपरेशन हो गया, बच्चे को होश आया, बच्चा कहता है फादर से, पापा ये कब आएंगे वापस, मेरी फिंगर्स वापस कब आएंगी। फादर खूब फूट फूट के रोता है उस टाइम में, कि क्योंकि फादर को पता होता है ये वापस नहीं आएंगे, उसको ये चीज का पूरा ज्ञान होता है कि डॉक्टर बता चुका होता है क्योंकि ऑपरेट करके निकाल दी गई है, काट दी गई है। फादर बहुत रोता है, बहुत रोता है। फिर जब वो घर जा रहे होते हैं तब वो शांत होता है, उस समय रो के चुका होता है, तो वो अपनी कार को देखता है जहां पर बच्चा कुछ स्क्रैच कर रहा होता है, उसको लगता है स्क्रैच कर रहा है, बट वहां पर जो लिखा होता है, वो जो स्क्रैच होता है वो स्क्रैच ना होके उसने लिखा होता है, आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। वो बच्चा वहां पर कार पर स्क्रैच नहीं कर रहा होता, वो अपने फादर के लिए अपना प्यार शो कर रहा होता है, अपना लव, अपना अफेक्शन वहां पर व्यक्त कर रहा होता है। उस समय फादर और ज्यादा रोता है, वहां पर फूट फूट के रोता है कि ये मैंने क्या किया, मेरा बच्चा मेरे लिए अपना अपना लव, अपना अफेक्शन, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहा था और मैंने उसी को इतना ज्यादा पीटा और उसकी देखिए हाथों की उंगलियां भी काटनी पड़ गई और जो वो कभी वापस नहीं आएंगे, उसको बहुत 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 रिग्रेट होता है। तो दोस्तों इस स्टोरी को सुनाने का रीजन भी यही था, जब हम गुस्सा करते हैं, जब भी हम गुस्सा करते हैं उस टाइम में हम कॉन्शियस नहीं होते, बिल्कुल एक तरह से अनकॉन्शियस हमें स्थिति होती है। इवन अगर योग की बात करें तो हम मूढ़ अवस्था में होते हैं जिसमें हमारी सोचने और समझने की शक्ति क्षमता बिल्कुल क्षीण हो चुकी होती है और जब हम ऐसी स्थिति में कोई भी एक्शन लेते हैं वो वाइज कभी भी नहीं होता, वो ज्ञानपूर्ण कभी भी नहीं होता, वो किसी का भी उद्धार करने वाला कभी भी नहीं होता। तो इसलिए ये जरूरी है हम एंगर से दूर रहें। एंगर जो है वो एक इमोशन है, कोई चीज नहीं है कि हमने उसको उठाकर साइड पे रख दिया। पहली चीज कि हम उसको कभी भी साइड पे नहीं रख सकते, वो हमारे इमोशंस के साथ हमेशा बना रहेगा। जरूरी ये है कि हम कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें। कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि जब हम अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, थोड़े से टाइम के लिए भी गुस्सा होते हैं तो उसका प्रभाव बहुत दिनों तक, 15 से 20 दिन तक हमारी फिजिकल बॉडी पर बना रहता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं, ये साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो चुका है, हम अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, पॉइजन क्रिएट करते हैं अपने आप। जिस तरह से हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको हमारे शरीर का अमृत कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हम जब गुस्सा करते हैं हम अपने अंदर खुद से पॉइजन बनाते हैं
और वो पॉइजन इतना जहरीला होता है, अगर ये स्थिति लगातार लंबे समय तक बनी रहे तो हमारे को धीरे धीरे अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि बॉडी कब तक कोप करेगी इस सिचुएशन से। पहले कोप करती है, बहुत कोप करती है, बट धीरे धीरे ये सिचुएशन जब बनी रहती है तो धीरे धीरे इसके कारण हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसीलिए आज इतने ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, मैनेजमेंट के, उसको मैनेज करना हमें, वो कोई वस्तु नहीं है कि उसको उठाकर हम साइड पे रखते हैं। कई लोग कार ड्राइव कर रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमें हर तरह के लोग इंसान से डील करना होता है ड्राइविंग जब हम करते हैं, क्योंकि कोई बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहा होता है, कोई कैसे भी ड्राइव कर रहा होता है, हमें बचते हुए निकलना है ना। वहीं पर उसी स्थिति में ऊपर आसमान में मून भी है, क्या हमें उससे बचते हुए निकलना है? वो तो रहेगा ही वहीं पर, वो वहीं पर रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने जहां पर हमारा गोल है वहां पर पहुंचने के लिए हमें हर चीज से, हर ट्रैफिक से, हर रेड लाइट से, हर जगह से बचते हुए निकलना है अपने गोल तक। सब चीजें वही रहेंगी, अपने हिसाब से रहेंगी, हमें खुद का रास्ता निकालने के लिए, मैनेज करने के लिए शांति से निकलना होगा, अपना ड्राइविंग करनी होगी, तभी हम अपने रास्ते पे, अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने गोल पर पहुंच पाएंगे। तो इस स्टोरी को सुनाने का सिर्फ इतना मतलब था, अब ये हमने खुद ने डिसाइड करना है, आपने खुद ने डिसाइड करना है आप अपने लिए क्या चाहते हैं, क्योंकि गुस्सा करने वाला व्यक्ति किसी और का तो बाद में कुछ बुरा करेगा, सबसे पहले अपना बुरा करता है, अपने साथ बुरा करता है। और एंगर का टॉपिक जो लेने का कारण था, हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो है सेल्फ लव। और अगर हम अपने स्व से, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने स्व के पास जाने की, अपनी सेल्फ से मिलने की हमारी इच्छा इतनी प्रबल है, तो हमें इससे दूर रहना होगा, क्योंकि अगर हम इससे दूर नहीं रहेंगे हम निचले स्तर पर ही यूं ही पेंडुलम की तरह झूलते रह जाएंगे। आपको बताया था ना, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ यानी हमारा जो, हमारे जो अंदर परमात्मा का अंश है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने बॉडी को, माइंड को, अपने प्राणास को, अपने इंटेलेक्ट को हर लेवल से प्योर करना है, पॉजिटिव बनाना है, सात्विक बनाना है, तब हम कहीं जाके सेल्फ लव की स्टेट पे पहुंचेंगे। क्योंकि सेल्फ लव किया नहीं जाता, दैट इज अ स्टेट विच वी अटेन थ्रू विच फॉर विच वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट अटेन इट बाय वर्किंग ऑन अवर लोअर लेवल्स। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने निचले स्तरों पे काम करना है, वहां पर हम स्वतः ही पहुंच जाएंगे। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, मेडिटेशन कभी की नहीं जाती, वो स्वतः ही होती है, ध्यान कभी नहीं लगाया जाता, ध्यान स्वतः ही लगता है। मैं या मेरे जैसा कोई भी टीचर, इस दुनिया का कोई भी टीचर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प करेगा कंसंट्रेट करने में। एक टीचर भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जो हेल्प करेगा कंसंट्रेट करने में। मैं जो ध्यान है वो स्वतः ही इंसान का लगता है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से सेल्फ लव अपने आप आएगा जब हम ऐसी आदतों को, ऐसी हैबिट्स को बनाएंगे जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़े, हमारी प्योरिटी बढ़े, हमारे अंदर के सभी टॉक्सिन्स, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, चाहे वो मेंटल लेवल पे है, चाहे वो प्राणिक लेवल पर है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, हर जगह से हमें प्योरिफाई करना है। देन वी विल अटेन ऑटोमेटिकली द स्टेट ऑफ सेल्फ लव। द स्टेज ऑफ सेल्फ लव को पाने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना, हमें अपनी दिनचर्या सबसे पहले ठीक करनी है। इधर जो कचरा है ना बहुत सारा, उसको तो सबसे पहले क्लीन करना है। और उसी के लिए हम रोज सुबह की जो मैं प्रैक्टिस आपको ड्रिल करवा रही हूँ, पहले हम प्रेयर करते हैं, जाप मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं जिसको धारणा कहते हैं, उसके बाद हम रेकी हीलिंग करते हैं, कि हमारी अंदर से ज्यादा क्लीनिंग हो, जिससे हमारी रिसीविंग बढ़े, जिससे हम अपनी सेल्फ के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जब हम दोस्तों इस स्टेज में पहुंचेंगे, हमें किसी रीजन की, किसी आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्स की, आउटसाइड सिचुएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए। दैट इज दैट स्टेज, दैट इज सो ब्लिसफुल, सो जॉयफुल, सो आनंद में, जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, आनंद में स्टेट अपने आप आएगी। तो कई लोगों का सवाल था कि टेक्निक क्या है, टेक्निक यही है हमारा डिसीजन, अवर डिसीजन नॉट टू गेट एंग्री ऑन एनी सिचुएशन।
because situation is external, anger is also an emotion that is external. We should have to pause. हमने पहले दिन भी यही बात की थी, हमें पॉज देना है, रिएक्ट नहीं करना. पॉज जब हम देंगे किसी भी सिचुएशन में, देन वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड, एंड व्हेन वी आर रिस्पॉन्डिंग दैट विल बी इंटेलेक्चुअल एंड वाइज एज वेल. जब हम एक पॉज देके कोई भी सिचुएशन आए, देखिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूं कि सामने वाले ने अगर कुछ किया है या जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन है वो सही थी, बिल्कुल भी ये मेरी कमिटमेंट, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है. मेरी स्टेटमेंट ये है कि अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, अपनी होलिस्टिक हेल्थ से प्यार करते हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए हम अपने गुस्से को इतना महंगा बना लें, ये मैंने कहीं सुनी थी और मेरे को बहुत प्यारी लाइन लगी, अपने गुस्से को इतना महंगा बना लें कि कोई भी उसको खरीद ना पाए. इस दुनिया में कोई भी हमारे गुस्से को खरीद ना पाए, इतना महंगा बना ले अपने गुस्से को कि हमारा गुस्सा, हमारी कोई भी आदत, हमारी कोई भी अच्छाई या बुराई इतनी सस्ती है कि किसी के क्लिक करते ही हम ब्ला 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 शुरू हो जाते हैं. तो अपने गुस्से को इतना महंगा बनाए कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसको खरीद ना पाए, यानी हमसे गुस्सा करवा ना पाए. राइट? डिफिकल्ट है अनडाउटेडली, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूं क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं होगा. अगर कि जिन लोगों की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है दिन में, उनके ऐसा नहीं है एक दिन में हो जाएगा. आप रोज अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाएं, डू प्राणायामा. प्राणायामा आप करेंगे, सिंपल अनुलोम विलोम करें, आपकी उससे कॉन्शियस लेवल बढ़ेगी, आपकी मेंटल स्टेट बैलेंस होगी, तो आपको वो पॉज देने का याद रहेगा, एक डीप ब्रीथ लेने का याद रहेगा, जिससे आप वो जो पॉज देंगे उसमें आप समझ पाएंगे कि मुझे किस तरह से इस व्यक्ति को या इस सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन पे मेरे को रिस्पॉन्ड करना है. आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं, वो ज्यादातर कुछ रिएक्ट करते ही नहीं है, उनके आसपास कुछ हो रहा होता है, वो चुपचाप वहां से शांति से निकल जाएंगे, उसके बाद वो अपनी प्लानिंग करेंगे और उसके बाद अपने एक्शन से रिस्पॉन्सिबल एक एक्शन देंगे वो, जिससे पता चलेगा कि उस सिचुएशन का ये रिजल्ट आया. बड़े कामली वो वहां से निकल जाते हैं. आप जितने भी आप देखिएगा ऑफिसर लेवल पर, बड़े लेवल पर, मैं हर किसी की नहीं कह रही, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर एट द ए ग्रेड लेवल, उनको आप देखिएगा वो बड़े काम और कंपोज रहते हैं. उन्हें अगर अपना गुस्सा कहीं पे दिखाना भी होगा ना, वो अपने किस तरह से दिखाते हैं, वो बोलेंगे नहीं, वो तेज तेज चिल्लाएंगे नहीं, वो काम ज्यादा करेंगे उस समय में. ये भी लेकिन एक पॉजिटिव साइन नहीं है. समटाइम्स वी फील व्हेन वी आर एंग्री एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, इट इज गुड बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम समटाइम्स वी गेट रिजल्ट्स एज वेल, बट वो भी सही नहीं है क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं. लेकिन हाँ, पहली सिचुएशन से तो ज्यादा अच्छा है कि हम जो बाहर निकाल रहे हैं उसको हमने काम में लगाया. शुरू में आप इस तरह से कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इतना कॉन्शियस हो जाएं अपने एंगर के प्रति कि वो आपकी लाइफ से बिल्कुल खत्म हो जाए. और जब ऐसा होगा तब आप अपनी हेल्थ की, होलिस्टिक हेल्थ की स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और होलिस्टिक हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपने सेल्फ लव की तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे. और सुबह जो ओम शांति मेडिटेशन करवाई जाती है उसको प्लीज कीजिए, क्योंकि जब हम रोजाना इसका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे वो हमारे सटल लेवल्स तक, हमारी ब्रेन के सटल लेवल्स तक पहुंच जाएगा वो मैसेज. हमें गुस्सा आ भी रहा होगा, नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल साइंटिफिक. मेरी तरफ से कुछ नहीं है, किसी किताब की तरफ से कुछ नहीं है, ये साइंटिफिक है. हम जिस तरह की बात अपने आप को ऑटो सजेशंस देंगे वही हमारे आगे रिजल्ट में आएगा. तो किसी का कोई इस पे क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेती हूँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन है जितना भी मैंने अभी लेक्चर लिया उससे रिलेटेड, तो जरूर पूछिएगा, फिर हम आज का आगे सेशन बढ़ाएंगे. थैंक यू वेदिक अष्टांग जी.
किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिएगा। जैसे डाउट्स होते हैं, बहुत से लोग कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें गुस्सा ना आए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इसी पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब एक बच्चे की एज कम होती है, टीनेज में होता है, उसको गुस्सा ज्यादा होता है। और कई बार हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आया, तो एक छोटी सी ट्रिक करना, जब भी गुस्सा आए ना, दो दो टिप देती हूँ। जब भी गुस्सा आए ना, तो जिसके ऊपर गुस्सा आए ना, उसको 1 रुपी कॉइन देना और उसको बताना बाद में कि मैंने ये गुस्सा किया था। नहीं तो आपकी प्योरिटी तब दिखाई देगी। कोई बात नहीं, आ गया गुस्सा। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं हम बिल्कुल डील नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता उसको कैसे डील करना, क्योंकि लगातार सिचुएशंस पे सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन पे सिचुएशन लगातार बनी हुई होती है हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में। और हम फिर जिसके साथ भी होते हैं उसके सामने हम अजीब सा अनकॉन्शियस लेवल पे बड़ा गंदा बिहेव करते हैं। तो कोई बात नहीं ना, जहां पर भी ऐसा हुआ से सॉरी, सिंपल। आप सॉरी कहेंगे ना तो सामने वाला एक टाइम को समझेगा, क्या दिक्कत है। आप सॉरी कहिए ना अपनी उसके लिए, गलती के लिए, फिर आगे बढ़े। और कोशिश यही रहे, कोशिश नहीं, डिसीजन ले कि नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने डिसीजन नहीं लिया, ये डिसीजन अगर जिसको भी आता है, आप आज, चलो मैं अपना ही बताऊं ना, मुझे योग में आने से पहले बड़ी इरिटेशन टाइप मेरा बड़ा नेचर था, फिर बाद में ठीक हो गया, फिर बीच में थोड़ा सा समय फिर से ऐसा हुआ, फिर से ऐसा होने लग गया, गुस्सा भी आया, कई बार अपने कलीग्स पे भी कर दिया, बिना बात के भी कर दिया, क्योंकि समझने की कोशिश ही नहीं करी ना कि सामने वाला क्या कह रहा है। रिएक्शंस दिए, रिस्पॉन्ड तो किया ही नहीं ना। रिस्पॉन्ड तो तब होता मैं सोचती समझती सामने वाले के लेवल पे जाके, लेकिन नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद एक अच्छी जो है कि आप सॉरी तो एटलीस्ट बोलो, अपनी गलती को रियलाइज करो, देन फिर से अपनी रिफाइनिंग शुरू कर दो, अपनी रेक्टिफिकेशन शुरू करो, फिर से अपनी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर दो कि हमें नहीं करना ये। कोई बात नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमें फिर से प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास, वैराग्य अभ्याम। हमें तब तक अभ्यास करते रहना है जब तक हम उस चीज को अचीव ना कर लें। यही जिंदगी है, और जब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हम जरूर अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे बार बार, लेकिन हमें रिपीटिशन करना है। कोई बात नहीं, अगर रिपीटिशन आपका एंगर का बार बार हो ही जा रहा है, लेकिन आप फिर से अपनी जगह पर वापस आए, अपने आप को फिर से बोले मुझे ये नहीं करना है, मैं फिर से एक वाइज डिसीजन लूंगा, वाइजली रिएक्ट करूंगा, वाइजली रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्टिव सिचुएशन से दूर रहने का पूरा प्रयास करूंगा या करूंगी। इस तरह के आपको खुद से रिजोल्यूशंस लेने होंगे, क्योंकि ये आपकी खुद की लाइफ है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? गुड इवनिंग अनुजी, द स्टोरी इज मोटिवेटिंग अस फॉर लव ऑफ फादर टू हिज सन। माई क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इमोशन एंड स्ट्रेस एट एनी सिचुएशन, प्लीज सजेस्ट। नितिन जी, मैंने कितने एग्जाम्पल्स दे दिए आपको, किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का यही तरीका है। बस आप अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाएं। कॉन्शियस लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट प्रैक्टिस है आप अनुलोम विलोम करें। अगर आप टेक्निक ही चाहते हैं तो चलो मैं आपको बताती हूँ टेक्निक। ये आप अनुलोम विलोम कीजिए, ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी है वो अपने आप कंट्रोल में आने लगेगी, राइट। एक तो ये हो गया कि आपने किसी टेक्निक के जरिए अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाया। दूसरी टेक्निक ये है जो मैं सुबह करवा रही हूँ, मॉर्निंग में हम डेली मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आपने, सच बता रही हूँ, आप 10 दिन का कॉन्टिन्यूसली कर लो, 10 दिन के आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सुबह का जो मैं सेशन ले रही हूँ, अगर आप उस तरह से, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही कि मैं ही करवा रही हूँ इस तरह से, आप इस तरह से अगर करेंगे जो सुबह के मॉर्निंग के सेशन में करवाया जा रहा है, मेडिटेशन करवाई जा रही है, रेकी हीलिंग जाप कराया जा रहा है, आई 100% श्योर उस बंदे को दिन में गुस्सा नहीं आएगा।
क्योंकि वो उस समय शांत हो चुका होगा। दूसरी प्रैक्टिस ये होगी। तीसरी प्रैक्टिस मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि हमें पॉज देना है, इतना तो हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, इतना तो हमें वाइज होना पड़ेगा, मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा कि हमें पता हो कि हमें गुस्सा आ रहा है आने से पहले, करने के बाद नहीं, आने से पहले कि हम वहां पर एक पॉज ले पाए। पॉज लेना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज बताइए, पूरा दिन आप काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, रात को सो नहीं रहे, कितने दिन आप रात को नहीं सोएंगे तो चलेगा? Ask yourself, एक दिन भी अगर हम रात को नहीं सोएंगे अगला दिन हमारा पूरा खराब जाएगा। मींस अगर हमने रिलैक्सेशन नहीं किया डेली तो हम अगले दिन काम कैसे करेंगे। लाइकवाइज अगर हमने पॉज अपने जिंदगी में नहीं दिया, अपनी सिचुएशंस के बीच में हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे हमेशा। दिस इज नॉट द मिस्टेक ऑफ एंगर, दिस इज आर मिस्टेक। दत्ता जी सॉरी किस लिए, मेरे को समझ नहीं आया। सबको बहुत बहुत प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्ते। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आई गेस, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सुनते बहुत हैं, वीडियोस इतनी है यूट्यूब पे, आप एंगर पे सुनना चाहेंगे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत वीडियोस हैं, आप कितनी भी सुनिए, बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बुक्स भी हैं, कोर्सेज भी चलते हैं। सुनकर उसको डंप कर देना अंदर, उससे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा। इट्स ऑल प्रैक्टिकल, आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा तब आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स As, कि आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वी आर ओनली हार्मिंग अवर ओन सेल्फ फर्स्ट बाय डूइंग एंगर। आप उस सिचुएशन से हट जाइए, अगर आपको नहीं कंट्रोल होता, पॉज नहीं आप दे पाते, आप वहां से एक, यहीं पे एक स्टूडेंट ने बोला कि हम वहां से चले जाते हैं, वेरी नाइस, चले जाइए ना वहां से, जरूरी थोड़ी ना जवाब दे के ही जाना। अब एग्जाम में सब देखो 100 मार्क्स लेके आते हैं, नहीं लेके आते ना, क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि सारे सवालों के जवाब नहीं दिए होते। जब वहां जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हर किसी की हर बात पर रिएक्ट करना, जवाब देना? आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस बाय दिस एग्जाम्पल। क्यों जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हर चीज का जवाब देना? अगर इतना ही जरूरी है तो हमारे हर एग्जाम में 100 out of 100 आना चाहिए। अगर आप कहते हैं हर बात का जवाब देना जरूरी है तो 100 out of 100 आपके हर एग्जाम में होने चाहिए। आई गेस आई एम मेकिंग सेंस, यस आई एम मेकिंग सेंस। सो फिर विद दिस नोट, टूडेज रेजोल्यूशन, वेरी हार्ड रेजोल्यूशन दैट वी विल स्टे इन प्लस in आनंदमय स्टेट, in शांति, in पीस। आई एम पीसफुल, दिस इज अवर टूडेज रेजोल्यूशन। ये आपने कहना ही है अपने आप को। आप अपने माइंड को कहेंगे मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, वो यही बात ले लेगा। आप उसे कहेंगे मैं बहुत शांत रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, आई एम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, कुछ भी इस तरह का आप बोलेंगे तो वो वही बात को रख लेगा अपने साथ। ही इज वेरी स्वीट, ही और शी जो भी है, ब्रेन को हम कहें बड़ा अच्छा है, उसको हम जो देंगे वो रखने को तैयार है। अब हमारे ऊपर है हमें उसको क्या रखने को देना है। सो विद दिस नोट हम अपना शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के बाद हम अपने रेजोल्यूशन को दोहराएंगे एक बार फिर से और सेशन को, आज के सेशन को कल की तरफ आगे बढ़ाएंगे। कल सुबह मॉर्निंग में फिर मिलेंगे, फिर इवनिंग में मिलेंगे, 5:55 पे दोनों बार। चलिए सो शुरू करते हैं आज की प्रेयर, शांति पाठ। फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। और वर्ल्ड में जैसा कि मैं एक बार हर बार रिपीट कर देती हूँ, हम खुद भी आते हैं, हम सिर्फ वर्ल्ड के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए भी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम के जाप से पहले लंबा गहरा श्वास भरिएगा, निकाल दीजिए, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल दीजिएगा। एक चीज बतानी थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये कई बार पूछ चुके हैं, इनको मैंने एग्जाम्पल तो दे दिया, सॉरी क्या नाम है, हाँ ये नितिन चौहान जी,
नितिन चौहान जी, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई हैं, ये मैंने खुद यूज की हैं। किसी पेशेंट के पहले मैंने खुद से यूज की हैं, उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। एंगर कंट्रोल 100% होता है, हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ता है, अंदर से हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारा एंगर कंट्रोल होता है। अगर आपका वैसे कंट्रोल नहीं है रिएक्शन पे, तो आप एटलीस्ट, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप आधा घंटा मिनिमम कीजिएगा। बेनागा, बेनागा मीन्स डेली करना है, आधा घंटा बैठ के तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ में हो सके तो ध्यान करना भी शुरू करें, धारणा की तरफ बढ़े तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसी के साथ लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए, भर जाए और निकाल जाए। ओम के जाप के लिए श्वास भरिएगा, दीर्घ जाप करेंगे, लंबा श्वास इसलिए भरिएगा प्लीज। अब यहीं बैठे बैठे अपने भीतर ही भीतर रिजॉल्व ले जाएं। आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग एंड आई विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ पीसफुलनेस, ऑफ ब्लिसफुलनेस। आई विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, पीसफुलनेस ड्यूरिंग माई होल डे। ये अगर आप सुबह के समय रिजोल्यूशन लेंगे तो और अच्छा प्रभाव आएगा, अर्ली मॉर्निंग। कॉपी पे नोट करके रख दीजिएगा, इसको बाद में पढ़िएगा भी जरूर। इसी के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, रख दीजिएगा कप की तरह बनाते हुए, आंखों पर ढके, यहीं पे पलके खोल बंद कर लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ वापस ले आए। सो आज का हम सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। सेशन में हमने जो बात की उसको रिपीट जरूर कीजिएगा, अपने आप को जरूर बताइएगा हमने क्या बात की। सेकेंडली, इसको जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थर्डली,
जो अब हमने अपनी पांच कमियां लिखी थी उसमें से एक ली है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा आपके अंदर और चार कमियां आप कौन सी खत्म करना चाहते हैं, हम उसी टॉपिक को कर लेंगे। और प्लीज हो सके विद इन 5 मिनट्स यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बाद में मैं नहीं देख पाती हूँ हमेशा, तो आपको जिस भी चीज पे वर्क करना है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कल के सेशन में हम वही चीज लेंगे, नहीं तो फिर मैं अपने मन से कराऊंगी। Right? So stay tuned with me in morning session and in evening session as well. God bless you all. Keep smiling. It makes us beautiful and smart. So, kal fir milte hain. Bye.